अभी हम लोग डिकाडला गांव में आए हैं, तो डिकाडले गांव की वीडियो काफ़ी लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे कि ये जो गांव है ये कितने साल पुराना होगा लगभग? नाम है जयनारायण जी। इनका नाम जयनारायण है। और आपका? राजकुमार। राजकुमार। और आपका? शमशेर। इनका नाम शमशेर है, जो ये गन्ना खा रहे हैं गाँव में। ये जो पीछे बनी हुई है ये क्या चीज़ है इस गाँव में? अम्बेडकर भवन है यहाँ हमारा। अम्बेडकर भवन, तो इसके अंदर क्या शादी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं? हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल में, जिसका नाम है नोमैड तुषार व्लॉग। तो अभी आप लोग देख रहे हैं डिकाडला गांव का भाग नंबर 2। तो आपने देखा पिछले वीडियो में हम लोग गांव में लगभग पहुंच ही गए थे, तो चलते हैं जी सीधा गांव में। यहाँ से गाँव की शुरुआत होगी, ये देख सकते हैं ये पहले वाला घर है, बिल्कुल पहला। और ऐसे ऐसे करके हम लोग अब धीरे धीरे गाँव के अंदर जाएंगे यहाँ से। तो अभी जा रहे हैं हम लोग सीधा ही यहाँ से, और इस साइड में ये शायद चौपाल बनी हुई है, क्या कुछ है एक बारी पूछ लेता हूँ। राम राम जी। क्या चीज़? तो ये लोग मुझे मिले यहाँ पे बैठे हुए थे, ऐसे आया हूँ मैं। देखो सामने वाला पहला घर है गुलाबी वाला, तो आते इस साइड में ये लोग मिल गए। एक बार ये अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है जयनारायण जी। इनका नाम जयनारायण है। और आपका? राजकुमार। राजकुमार। और आपका? इनका नाम शमशेर है, जो ये गन्ना खा रहे हैं गांव में। ये जो पीछे बनी हुई है ये क्या चीज़ है इस गांव में? अम्बेडकर भवन है यहाँ हमारा। अम्बेडकर भवन, तो इसके अंदर क्या शादी वगैरह के प्रोग्राम होते हैं? प्रोग्राम हो जाता है, कोई मतलब नेता आ जाता है वहाँ बैठाने के लिए हमारा पूरा बंद। अच्छा, कोई नेता वगैरह आता है शादी का, तो ये बैठक वगैरह के लिए है मेन गाँव में किसी। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ इनसे पता करते हैं। ये जो डिकाडला गांव है ये कितने साल पुराना है? ये तो जी कम से कम हो गए जी, मेरे पिताजी 80-85 साल के, दो मेरे फिर उनके दादा भी मेरे। हाँ, 100-200 साल के करीब। तो अंदाजा किसी ने बताया होगा, जैसे हाँ, आपके पिताजी ने या हाँ, दादा ने, कितने साल के आसपास हो गएगा? 200-250 साल पुराना है। ठीक है। और इस गाँव में सबसे ज्यादा कौन से गोत्र के लोग रहते हैं यहाँ जी? सबसे ज्यादा तो चालिया साहब कल्याण है। अच्छा, कल्याण सबसे ज्यादा यहाँ पर है। तो बता रहे हैं ये जो डिकाडला गांव है सबसे ज्यादा इसमें कल्याण है, जो कि जाट बिरादरी में आते हैं ना। हाँ, ये जाटों का गांव है, जो कि ये डिकाडला गांव है। तो इसमें पूछते हैं वाल्मीकि भी यहाँ सबसे ज्यादा है। वो तो सभी लोग मिक्स होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो इसमें कल्याण है, फिर इसके बाद इसमें सभी लोगों के मिलजुल के लोग रहते हैं, बता रहे हैं। और इस गाँव में तालाब वगैरह जोड़ कितने हैं? तालाब जी 1-2-3-4 तालाब है जी, चारों ठीक ठाक है। ये तालाब तो रोक दिया जी। अच्छा, अभी जाएंगे आगे की ओर, बता रहे हैं कि इस साइड में भी कोई तालाब है तो वो भी देखेंगे। इस साइड में चार जोड़ बता रहे हो, ठीक है। और मंदिर कौन सा है सबसे पुराना? सबसे पुराना ये है, ये पीछे की ओर बता रहे हैं। तो यहाँ भी अभी जाएंगे, गलियों में से निकल गए। क्या नाम है मंदिर का? शिव मंदिर। कितने साल पुराना ये? बहुत पुराना होगा। अच्छा, ठीक है। तो बता रहे हैं जो गांव में मंदिर है, शिव मंदिर है, वो भी काफ़ी पुराने ऐतिहासिक मंदिर बता रहे हैं। बता सकते हैं किसी ने बसाया था, कौन से बाबा आए थे या कौन आए थे यहाँ? बाबा था जी, बहुत पुराना बाबा था। हाँ, उसने बना थे, मतलब गांव ने बना थे वैसे मंदिर तो ये। अच्छा, तो बता रहे हैं कि बाबा वगैरह की अभी इतनी जानकारी पर्याप्त नहीं है, लेकिन मंदिर बता रहे हैं कि काफी पुराना है। तो ये जो डिकाडला गांव है ये किसके नाम पे नाम पड़ा है इसका डिकाडला? जैसे हम हर एक गांव के बारे में दिखाते हैं, तो इसका जी रामपुरा के नाम से था जी पहले। रामपुरा, पहले इसको रामपुरा बोलते थे। तो बता रहे हैं जी पहले इसको रामपुरा बोलते थे, और धीरे धीरे करके इसका नाम डिकाडला हो गया। तो ऐसा नहीं है किसी के नाम पे पड़ा हो जैसे? अच्छा, पहले भगवान के नाम से हर एक नाम रखते थे। तो इस गांव का नाम पहले रामपुर था, तो बता रहे हैं जी इस गांव का नाम पहले रामपुर था, फिर धीरे धीरे बाद में डिकाडला बोलने लग गए हैं। और इसके आसपास में कितने गांव लगते हैं? आसपास में 2-3-4-5-6-7 गांव लगते हैं जी, 11 लगते हैं। हाँ, बता रहे हैं इसके आसपास में 7-8 गांव लगते हैं, और जितने भी 7-8 गांव लगते हैं सभी की सभी मैंने वीडियो बना दी होगी। आगे की तरफ से हतवाला गांव लगता है, तो हतवाले की वीडियो आ गई होगी। इस साइड से पीछे आटा लगता है। हाँ, वो सामने की तरफ से बता रहे हैं, इसके पीछे यहाँ से आटा भी लगता है, और इस साइड में पावटी भी होगा।
हाँ इस साइड में पीछे पट्टी के लिए आना भी होगा, गड़ी भी होगा, तो जितने भी लोग जोरासी है, जीतगढ़ है, जोरासी जीतगढ़, ये आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, जितने भी गांव आसपास के ये बता रहे हैं, देरा, हाँ देरा की भी बता रहे हैं, देरा हो गया, मावटी होगी, कारकोली हो गया, रक्सेड़ा हो गया, बसेड़ा हो गया, तो ये जितने भी गांव हैं इन सब की वीडियो आप लोगों ने देख ली है। फिलहाल आज लोग हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे डिकाडला गांव में, और ये देख सकते हैं ये पीछे की तरफ ये चौपाल बनी हुई है, जो कि बता रहे हैं अंबेडकर भवन है, अंबेडकर भवन है जहाँ पे शादी वगैरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। तो इनसे मिलने के बाद अब चलते हैं जी यहाँ से आगे, राम राम जी। तो जी बुजुर्गों से मिलने के बाद अब लोग हम लोग जा रहे हैं आगे की ओर, तो यहाँ से जा रहे हैं जी आगे। इस साइड में भी ये छोटी सी गली है, बंद है या खुली है पता नहीं, इसका शायद थोड़ी सी आगे से खुली होगी। तो हम लोग अभी जा रहे हैं आगे, उन्होंने एक मेन गली बता दी थी कि वहाँ से हम लोग जा सकते हैं, तो इस साइड में ये वाली गली भी बता रहे थे, ये वाली गली आगे खुली हुई है, ये वाली, तो इसके अंदर भी आएंगे। फिलहाल तो आगे की ओर ही जा रहे हैं हम लोग, इस घर में कुछ फंक्शन होगा, शादी होगी, ये लगे हुए हैं जी बाहर गेट की तरफ, आप लोग देख भी सकते हैं। गांव में परचून वगैरह की भी दुकान है, और मेरे साइड में आ गया गांव का सरकारी स्कूल, आ गया राजकीय उच्च विद्यालय डिकाडला, ये देखिए सामने। तो आ गई अजी जो मेन गली जो बताई थी, इस साइड में ये देख सकते हैं गांव का अड्डा आ गया, और ये बुजुर्ग लोग यहाँ पे बैठे हैं, ताश खेल रहे हैं, तो इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं गांव के अंदर होके आ जाता हूँ। तो ये वाली मेन गली बताई है, गाल्याण तंबाकू भंडार, और ये गांव का जो मेन अड्डा है ये वाला सामने, बस शेल्टर लिखा हुआ है सामने, ये गाड़ी के पीछे लिखा हुआ है, तो ये बस शेल्टर है यहाँ का। तो अभी जा रहे हैं जी अंदर गांव के अंदर ही, तो इस साइड में अंदर आता ये मिल गई हमें फास्ट फूड की दुकान, ये देखो, जो कि अभी बंद है, शाम को जैसे लोग आएंगे तो चलती जाएगी। इस साइड में भी कुछ बुजुर्ग लोग मुझे मिले हैं देखने के लिए, ये इनकी खुद की यहाँ पे दुकान है, या वैसे ही बैठे एक बार पूछ लेता हूँ। राम राम जी। तो ये लोग बैठे हैं, एक बार इनसे जानकारी प्राप्त करता हूँ, एक बार साइकिल को मैं खड़ी कर देता हूँ, तो साइकिल मैंने खड़ी कर दी है यहाँ पे, तो इनसे बातचीत करते हैं। राम राम जी। तो ये मतलब दुकान के आगे बैठे हुए आप लोग, तो इन लोगों की यहाँ पे दुकान है, किस चीज़ की है? अच्छा, तो ये बता रहे हैं जी ऊपर की ओर देख सकते हैं, ये बता रहे हैं ये सहकारी सोसाइटी बता रहे हैं। तो ये लोग यहाँ पे बैठे हैं, एक बार इनसे नाम पता करते हैं जी। नाम क्या है जी आपका? बलबीर सिंह जी। आपका? जगदीश। आपका? रवि। आप? प्रताप। तो ये लोग मुझे मिले हैं, एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। अभी हम लोग डिकाडला गांव में आए हैं, तो डिकाडले गांव की वीडियो काफ़ी लोग देख रहे होंगे, तो आप लोगों से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा कि ये जो गांव है ये कितने साल पुराना होगा लगभग? 800 साल के आसपास। तो ये बता रहे हैं जी 800 साल के आसपास ये वाला गांव पुराना है। तो ये बता सकते हैं किसके नाम पे पड़ा इस गांव का नाम? तो बता रहे हैं जी अभी ये नहीं पता चल रहा कि कैसे गांव का नाम बसा है। तो पहले अभी पीछे मिले थे मुझे कई लोग, तो वो कह रहे थे पहले इस गांव का नाम रामपुर था, ऐसा कुछ है? तो पहले इस गांव का नाम रामपुर था, इस बात की इन लोगों ने पुष्टि कर दी है, लेकिन डिकाडला कैसे पड़ा भी और आगे जाके बूढ़े लोगों से पूछेंगे। तो रामपुर से डिकाडला कैसे हो गया? अच्छा, नहीं आपके फादर ने या किसी ने बताया हो आगे? अच्छा, तो ये बता रहे हैं, ये भाई बता रहे हैं सामने की तरफ बैठे हैं वो बुजुर्ग लोग, उस साइड में मैंने दिखाया था, तो उस साइड में भी अभी आगे जाएंगे। फिलहाल तो इन लोगों से ये जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये और भी आए हैं लोग, तो इनसे भी प्राप्त करने की जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। ये डिकाडला गांव जो बसा है ये किसने बसाया था या किससे अलग हुआ था, किस गांव से? ये भी जोरासी गांव से अलग हुआ है, तो जोरासी गांव से काफ़ी गांव अलग हुए थे, सात गांव अलग हुए थे, तो सातों गांव मैंने आपको पहले दिखाए भी थे और सारे लोग देख भी चुके हैं, तो उनमें से ये डिकाडला गांव बचा था। तो आज लोग हम लोग आए हुए हैं डिकाडला गांव में, तो ये सामने डिकाडला गांव के ही लोग मिले हैं, तो इनसे एक बारी जानकारी प्राप्त करते हैं कि यहाँ के मंदिर वगैरह कितने हैं, यहाँ के मंदिर कितने हैं, प्राचीन मंदिर? शिव मंदिर बड़ा एक है, सिर्फ एक? हाँ एक ही है, फिर अंबेडकर भवन है। अच्छा, एक माता का मंदिर है, ठीक है, छोटा मंदिर है, बाकी शिव मंदिर ही है। तो एक मंदिर ही बता रहे हैं जो प्राचीन शिव मंदिर, उस साइड बता रहे हैं तीन मंदिर है, है, अच्छा, तो बड़ा मंदिर एक ही है, ठीक है, बाकी माता के मंदिर है,
बहुत बड़ा। हाँ बता रहे हैं यहाँ पे इस गांव में गुरुकुल भी है, तो गुरुकुल भी आप लोगों को दिखाएंगे, पावर हाउस भी है खुद का, स्टेडियम है। हाँ तो बता रहे इस गांव में काफी ज्यादा सुविधा है यहाँ पे। तो अभी और आगे जाके दिखाता हूँ कि गलियों में साफ सफाई कैसे है, कितने खुले रोड है, ठीक है। तो अभी गांव में से ये सरपंच कौन है? सुनील कुमार प्रजापत। तो सुनील कुमार प्रजापत इस गांव में सरपंच बने हुए हैं, तो इनसे अभी कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ठीक काम चल रहा है। कह रहे हैं जी बिल्कुल एक नंबर का काम चल रहा है, और आप लोग देख भी सकते हैं साफ सफाई के मामले में ये रोड है। देखो नई पंचायत है, हाँ यंग मैन है सब, हम्म, तो थोड़ा उसके अनुसार ढलने में थोड़ा समय लगता है, टाइम तो सही है। सरकार काफी मदद भी कर रही है, हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सरकार मदद कर रही है, ये भी समय अनुसार सब ढल जाएंगे। सफाई के लिए दो कर्मचारी है। अच्छा, लेकिन वो कम है, फिर भी वो लगे रहे हैं। यहाँ कोई किसी किस्म की बिल्कुल भी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत नहीं है, ठीक है जी, अच्छा काम कर रहे हैं। तो बता रहे हैं गांव वगैरह के बारे में ही बता रहे हैं लोग कि गांव में दो कर्मचारी है जो कि साफ सफाई के लिए नियुक्त किए गए हैं, और पूरी साफ सफाई चलती रहती है, पानी की भी सुविधा इस गांव में, तीन टंकी पूरे गांव में पानी जाता है पीने के लिए, अच्छा शुद्ध पानी जाता है, ठीक है। तो बता रहे हैं गलियों में भी साफ सफाई है, और यहाँ पे पानी वगैरह की भी सुविधा है, और पावर हाउस यहाँ पे खुद का ही है, और गांव में स्टेडियम भी है, और जोड़ भी है, माता का मंदिर भी है, गौशाला भी है, तो बता रहे हैं इस गांव में गौशाला भी है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। फिलहाल हम लोग आगे गलियों में चलते हैं, और गलियों में दिखाता हूँ कि कैसा कुछ माहौल है। तो इनसे एक बार विदा लेते हैं, चलते हैं जी यहाँ से आगे। हेलो जी, डिकाटला गांव का भाग नंबर 2 आपको कैसा लगा कृपया कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं फिर नए भाग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।